लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बड़ा झटका लगा है। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया है कि वे थर्ड फ्रंट या गैर बीजेपी दलों के साझा राजनीतिक मंच में शामिल नहीं होंगे। That the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. Naveen Patnaik ke is bayan se ye tay ho gaya hai ki Biju Janata Dal ne Nitish Kumar ke vipakshi ekta se दूरी बना ली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लाने की कवायद में जुटे नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के अगले ही दिन नवीन पटनायक ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से चर्चा की। इस बैठक के बाद पटनायक ने साफ कर दिया कि वे 2024 के आम चुनाव में विपक्ष के साथ आने को तैयार नहीं है। नवीन के बयान से जरूर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई होगी। तरफ नवीन पटनायक से मुलाकात की, लेकिन नवीन पटनायक के दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर कहते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है थर्ड फ्रंट की। कहीं नहीं लग रहा, कोई नहीं। अरे भाई, कहां हम लोगों ने, हम तो कह रहे हैं कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता, तमाम दलों की एकजुटता, और वह बिहार एक मॉडल बना है। इसलिए कोई कहीं कोई झटका नहीं, बल्कि हमारा करंट का असर ये है, राजनीति के करंट का, कि अब महाराष्ट्र में भी उसका असर दिखाई पड़ने लगा। कई बार ये चर्चाएं हुई हैं तीसरे मोर्चे की, थर्ड फ्रंट की जो बातें हो रही है, पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये कोई थर्ड फ्रंट और सेकंड फ्रंट का सवाल नहीं है, ये मेन फ्रंट होगा और फर्स्ट फ्रंट होगा जो भाजपा मुक्त भारत बनाएगा। इसलिए जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से, अगर गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता हुई तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी, और इसलिए कोई थर्ड और सेकंड का सवाल नहीं है, ये फर्स्ट प्रथम मोर्चा है और मुख्य मोर्चा है, इसलिए यही 2024 में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। फिलहाल नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से मुलाकात के दौरान अपने पुराने रिश्ते याद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन नवीन पटनायक के स्टैंड से एक बार फिर साफ हो गया है कि उन्होंने राजनीति करने के अपने तरीकों को नहीं बदला है। दरअसल ओडिशा का सियासी गणित कुछ ऐसा है कि चाहकर भी नवीन पटनायक बीजेपी से दूरी नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिनमें 12 बीजेडी, 7 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। शायद यही वजह है कि फिलहाल सियासी पिच पर नवीन पटनायक बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।